हमने सीखा। पहला, तत्वों का वर्गीकरण उनके समान गुणधर्मों के आधार पर किया गया है। दूसरा, तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्व के परमाणु भार तथा गुण में संबंध होता है। तीसरा, डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों की त्रिक बनाकर वर्गीकरण किया। चौथा, न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण कर अष्टक सिद्धांत दिया तथा उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। पांचवा, लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग कर मेंडेलीव को एक दिशा दी, जिससे मेंडेलीव को आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली। छठवां, मेंडेलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। सातवां, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों से भविष्य में नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिली। आठवां, मोसले ने परमाणु संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्त नियम दिया। नौवां, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह वर्ग व 7 आवर्त हैं, जिसमें 118 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दसवां, समूह तथा आवर्त में तत्वों के विभिन्न गुण जैसे संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता में क्रमिक परिवर्तन होता है। ग्यारहवां, तत्वों के गुणों में आवर्तिता तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होती है। मुख्य बिंदु, कीवर्ड्स, त्रिक नियम, अष्टक नियम, आवर्ती फलन, आवर्तिता, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता।